गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। भाई, मदन भाई मर गया। कल से मुंबई मेरा है। मुंबई में हर बेसहारे का सहारा था मदन भाई। हर किसी के आंसू वो पहुंचता था, हर किसी का गम वो बांटता था। उसकी नजरों में इंसानियत ही सबसे बड़ा कानून था। इसलिए राजनीति का गंदा खेल खेलने वाले राजनेता और कानून उसके खिलाफ थे। अब उसके ना रहने पर ये मुंबई फिर से सुलग उठी, फिर से अनाथ हो गई। और इन अनाथों को सहारा देने मुझे मदन भाई की जगह लेनी पड़ी, मुंबई का रखवाला बनना पड़ा। उसका नाम मुन्ना है और वो आजमगढ़ से आया है। मुंबई काम की तलाश में आया था और यहां पे मछली पकड़ने का काम करता है। ये हमेशा से बड़े भाई के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, इसलिए यही हमारे सब कुछ हैं। नहीं मुन्ना, मैं यहां मदन भाऊ की वजह से था, अब मैं यहां नहीं रह सकता। एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है विलास। इन दंगों ने मुझसे अपना सब कुछ छीन लिया है, अपनी पत्नी भी। अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहता मैं। अब मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहता हूं, नई जिंदगी शुरू करूंगा। मेरा साथ निभाने के लिए आप सबका शुक्रिया। सुनो मुन्ना, अगर इस शहर में हमें रहना है तो हमें अपने बलबूते पर रहना होगा। तुम्हें मदन भाऊ की जगह लेनी होगी। भाव, हम सब का, हमारे परिवार का आपको रखवाला बनना ही होगा। मुझे फिक्र हो रही है, इन सब झमेले में आप मत पड़िए। सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत करो। चिंता ना करो तो क्या करूं? आपको कुछ हो गया तो? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, दरवाजा खोलो। अरे रुको भाई, खोलता हूं। लोगों ने गंगा को बेमौत मार डाला और मैंने उसका बदला ले लिया। अब मैं जिस राह पे चल पड़ा हूं वो दोधारी तलवार है,
अब या तो ये मेरी रक्षा करेगी या मुझे मार देगी। अब मेरे लिए वापस मुड़ना नामुमकिन है। इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं। इसका कल मेरे आज की वजह से तबाह नहीं होना चाहिए। अब आप ही इसके सब कुछ हैं। इसका भविष्य अब आपके हाथ में है। धीरे धीरे दुनिया भी भूल जाएगी कि मेरा भी कोई है। तुम भी मेरे साथ चलो। आप इसकी रखवाली कीजिए, मैं यहां अपने लोगों की रखवाली करूंगा। कौन हो? अपना दोस्त समझ लो। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, भाव। थैंक यू। बधाई हो। यदि आपका कोई बच्चा है तो उसे भी पूजा के लिए बुला लीजिए। भाव की कोई औलाद नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ और ये मेरा बेटा है। ओम शांति 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 शांति। सॉरी बाबा, कब से आपके फोन का वेट कर रहा था मैं। आज तुम्हारी माँ की बरसी है। जानता हूँ। तुम्हारे डांस कंपटीशन का क्या हुआ? शायद हम उसमें सेलेक्ट हो जाएं। विश्वा, जिंदगी में कोई भी काम करो, उसमें सफल होने का इरादा रखो। जैसे ही सेलेक्ट हो जाओ मुझे फोन करना। ओके पापा। भाई अबे, तेरे पापा का फोन आता तो सब कुछ भूल जाता है। अरे तुम लोग कॉम्पिटिशन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बैठे जजेस ने ना हमें उठा के बाहर फेंक दिया। तेरे बाहर जाने की वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए, सारी मेहनत पानी में चली गई। चलो चलते हैं। 2, 3, 4। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा ऑर्डर डिलीवर कब होगा? क्या भाभी लोग का फोटो देखता रहता है? इन इंडियन लड़कियों के चक्कर छोड़। अरे अभी तक तुम लोगों ने ऑर्डर क्लियर नहीं किया। नहीं, हमारे कस्टमर्स क्या देख जरा, कौन कान खजूर आवाज कर रहा है, समझने की कोशिश करो। अरे कस्टमर है, तेरी कंप्लेंट कर रहा है। विश्वा को बुलाओ। हाँ सर, आप शांत। मुझे विश्वा से मिलना है। हाँ हाँ, अभी तुरंत बुलाओ, अभी के अभी। विश्वा, चंदू कहाँ है? कहाँ है विश्वा? चंदू, ये क्या है ब्रो, तुम इतने लापरवाह कब से हो गए? इतनी बार फोन करने के बाद भी तुमने डिलीवरी नहीं की, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल?
तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो बहुत जल्दी इस कंपनी को ताला लग जाएगा। तुम जानते हो ना कि मुझे अनप्रोफेशनलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या रिएक्शन है? घूर घूर कर देख रहे हैं। चलो चलो, बातें बहुत हो चुकी हैं, जाओ अपना काम पूरा करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी डिलीवरी अभी कराता हूँ। वाह रे वाह, तुझे देखकर तो बंदर भी पलटी मारना भूल जाए ब्रो। इस समय भी ट्रैफिक? क्या कर रहा है विश्वा? Hey, mate, you okay? Yeah, I'm good. I'm just checking it. Okay, cool. Hi, ये Indian spices कहाँ हैं? Madam, the Indian spices are on the other rack. Thanks. Sorry. It's okay. Oh shit. हाय, कैसे हैं? स्टॉक चेक कर लिया? Left. Bro, yo. Knock करो, पता सही है क्या? Hello sir. Hey. Oh, मैंने कुछ. मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रहा? पापा, ये वो लड़का नहीं है. रुको रुको जरा. Sorry. I'm so sorry. मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है. तो मैं थोड़ी nervous हो गई थी. Please, I'm sorry. मैंने ही तुम्हें फोन करके अपने रेस्टोरेंट के लिए पानी डिलीवर करने के लिए बुलाया था, इससे गलत फहमी हो गई। ये मेरी बेटी मीरा है। हाय। हाय। इसकी माँ नहीं है, मैंने इसे बहुत प्यार से बड़ा किया, इसलिए जब मुझे पता चला कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। आई एम सॉरी। लेकिन अगर ये किसी का पीछा करेगी तो आपको टेंशन नहीं होगा ना? चुकर, चुकर। ये हमारे कुक है, लो ना। ये कहते हैं कि okay. ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हमारी मुलाकात इनसे यही हुई, बस इनका खाना ही टेस्ट करना है, तुम लोग लो ना। मैं हूँ परमिंदर तेजिंदर खन्ना, खाना बनाता हूँ एकदम चंगा। बादशाह, मेरे खाने की खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारा मिनरल वाटर कौन पिएगा? सर, आपको कितने स्टॉक का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? पहले तुम हमें 100 बॉटल सप्लाई कर देना, फिर जितनी जरूरत होगी हम तुम्हें फोन कर देंगे। 2 दिन बाद ओपनिंग है, लो ना। तुमने कंपनी का नाम गंगा क्यों रखा? मेरी माँ का नाम है सर। ओह नाइस, बहुत ही संस्कारी लगते हो तुम लोग, पराये देश में ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे। ओके सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो। अच्छा, पैसे? पैसे नहीं, टेस्ट कैसा है ये बताओ। ओह, ब्लैक कॉफी सुपर्ब है सर। सर, मैं सच कह रहा हूं सर, इससे अच्छी ब्लैक कॉफी तो मैंने आज तक नहीं पी। क्यों, क्या बात है? ये ब्लैक कॉफी नहीं है, सूप है। इतने दिन तक मेरा साथ निभाने के लिए थैंक यू, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। ए, ये फेंक क्यों रहा है तू?
बैटरी दिल की डिलीवरी हो गई है। दिल की डिलीवरी? पहली ही नजर में मेरे दिल का रोमांटिक ट्रक उसके दिल के गैराज में पार्क हो गया, वो भी दोस्तों लाइफ टाइम के लिए। ब्रो वो गैराज लग्जरी कार के लिए, ट्रक के लिए नहीं। ब्रो चश्मा लगवा लो, जिस वक्त तुम ऑर्डर लेने में बिजी थे उस वक्त ये रोमियो जूलियट के रासलीला में बिजी था। तू खुद कंफ्यूज हो रहा है, मुझे भी कर रहा है। चश्मे की जरूरत तुझे? उसने कहा कि वो तुझसे प्यार करती है? कहा नहीं है तो कह देगी, आई एम कॉन्फिडेंट। भाव राधा कृष्ण वकील आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार भाव। कल कोर्ट में एक केस आया था, मुलजिम बॉलीवुड का हीरो है, उसके घर में एक गरीब घर की लड़की काम करने आती थी, यही कोई 16 साल की, उसने उसका बलात्कार किया। उस लड़की ने अदालत में न्याय पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच और रुतबे की वजह से वो अदालत से बिना कोई सजा पाए बरी हो गया। इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद भी बड़े शान से वो आजाद घूम रहा है हमेशा की तरह। आज भी आपको ही न्याय करना होगा। और थोड़ा एक्सप्रेशन, हाँ। और रेडी फॉर टेक एक्शन। देखिए मुझे एक बार देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। ओके आप थोड़ा साइड में हो जाइए। रेडी रेडी एक्शन। इस तरह का फील चाहिए। टेक टेक। ओके एक रिहर्सल। हाँ ना, टेक टेक। अब ये मुझे एक्टिंग सिखाए। ओके यार कहाँ से पकड़ कर लिया इसको, एक्टिंग के नाम पर कुछ नहीं आता इसको। रोमांटिक हीरो है सर। अच्छा तो क्या एक्शन में भी रोमांस करेगा? हाँ रेडी टेक टेक एक्शन। सुपर सुपर। नहीं सर, ये भाव के आदमी है, मैं जानता हूं। भाव ये उस हीरो की फिल्म के प्रोड्यूसर है। आपकी फिल्म की शूटिंग 10 दिन चली थी ना, ये लीजिए आपके नुकसान के पूरे पैसे हैं इसमें। नहीं नहीं चाहिए। गलती आपकी नहीं थी, आपके हीरो की थी, रख लो। इनकी तो। एक्सक्यूज मी अंकल्स, एक तोता अपनी मैना से मिलने जा रहा है, आप लोग बीच में चोंच क्यों मार रहे हैं? क्या कहा, तुम्हारी मैना? हाँ? मीरा तुमसे प्यार करती है? जब गुलाब उसकी झोली में जाएगा वो मेरी झोली में आएगी। पर आज क्या डॉटर्स डे है जो बेटी को गुलाब देने जा रहे हो? हेलो, मैं मीरा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। अंकल्स कभी गलती से आईना भी देख लिया करो, जरा बस में सफर भी किया करो, तुमको देखकर सीनियर सिटीजन भी तुमको जगह दे देगा। शक्ल से कौवा, इस उम्र में लव हुआ? क्या कहा, कई दिनों से हमें इंडियन लड़की का इंतजार था, जो लकी हो वो उससे शादी करके अपना घर बसाए, तुम कहाँ से आटप के? ए, बालों की बंजर खेती, पहले जाकर इन बालों में खाद डाल कर आ। पहली बात तो तुम लाइन में सबसे पीछे हो और ऊपर से हमारी इंसल्ट करके ज्यादा शाने बन रहे हो। चलो पीछे हटो, चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, मेरी बात सुनो। अरे चलो क्या कर रहे हो अंकल? क्या कर रहे हो ब्रो, हम एक मुश्किल स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम आके डिस्टर्ब कर रहे हो। भाड़ में गया तुम्हारा स्टेप, तुम्हारा डांस देखकर लगता है तुम सबको पाइल्स हो गया, चलने में तकलीफ हो रही है। पहले मुझे सिखा कि प्यार की गड्डी को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ाऊं, फिर जाकर अपना स्टेप करना। ब्रो हमें लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, उन्हें हमारे पीछे भगाना चाहिए। तेरा मतलब है कि मैं उसका पर्स चोरी करूं? दोस्त होकर पिटवाने वाले आइडियाज देता है। अरे मेरे भाई, अगर वो तुम्हें वाकई चाहती है तो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। एक्सक्यूज मी,
आपकी फैक्ट्री डांस स्टूडियो जैसी क्यों लग रही है? फैक्ट्री हमारा प्रोफेशन है और डांस हमारा पैशन। ओह नाइस, तुम लोग परफॉर्म भी करते हो? हाँ, हम यहाँ पे बहुत मशहूर हैं और हमने यहाँ पे बहुत शोज भी किए हैं। भजन कीर्तन करते हो क्या? इतनी दूर मुझसे मिलने आने की क्या जरूरत थी? एक मिस कॉल मार देती तो मैं खुद आ जाता। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, इनसे मिलने आई हूँ। अबे इतना हंस मत, वो इनडायरेक्टली बात कर रही है। सॉरी ब्रो। हाँ तो कहिए ना, क्या काम है? कल हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, इसलिए डैड ने मुझे सारे सप्लायर्स को इनवाइट करने के लिए कहा है। प्लीज कल सुबह टाइम पर आ जाना। yeah. कुछ खा के मत आना। क्यों? खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट करवाना है क्या? अरे नहीं बाबा, ब्रेकफास्ट हम कराएंगे। ओह oh. तो अब मैं चलूं? तुम भी आना। ब्रो वो तुझसे मिलने नहीं आई थी, वो तुझे इनवाइट करने के बहाने मुझसे मिलने आई थी। हाँ समझ गया। अब तुम्हें इनवाइट किया है तो तुम जाना और जाके वहाँ डेंजर खाना खाना। अब तक उस सूप के डकार आ रहे हैं। प्यार में जहर तो क्या, मैं उसका डेंजर खाना भी खुशी खुशी खाने को तैयार हूँ। अब तुम्हें जान देनी है तो जाओ दो। तू भी मेरे साथ चलेगा क्योंकि तू मेरा ब्रो है। ब्रो सब कुछ तैयार है ना? एकदम तैयार है सर, आके टेस्ट कर लीजिए। जल्दी बताइए क्या है ये? यही चावल। उपमा है ये। अरे ये क्या कचरा है? कचरा नहीं, कोरमा है पाजी। इतना भी नहीं पता, रेस्टोरेंट खोल लिया लेकिन खाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, भगवान ही बचाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू मेरा होटल खुलने से पहले ही बंद करवा देगा। फॉलो मी। अरे ये क्या, मेरी प्लेट तो खाली है, मुझे भी दो ना। कहाँ गई तुम? हाँ, मैं, अरे बहुत टेस्टी है, मुझे भी दो। सुपर टेस्ट। क्या यहाँ धान दो? मैं हाँ आ रही हूँ, एक मिनट। जिसे जो डिश अच्छी लगे मांग मांग कर खाओ। अब हाँ इसे और चाहिए। रुको रुको, पहले ये बताओ हॉस्पिटल कहाँ है? बाजू में ही, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो फिर ठीक है डालो, चलेगा। कितने प्यार से सब खा रहे हैं। देख क्या रहा है खाना। क्या खिला दिया? आपस में झगड़ा मत करो, कल आना, मैं और बना दूंगा, फिर जम के खाना। कल हो ना हो, मैं तो कल भी आऊंगा। कल हम भी आएंगे। ये पकड़ो खाली कटोरा, ये होते हैं असली कदरदान। और आप हो कि मुझे बात बात पर टोकते रहते हो। टोकना नहीं, सड़ेले कुक को तो इतना ठोकना चाहिए कि खाना बनाना पूरी तरह से भूल जाए। हाय मीरा। हाय विश्वा। मेरी मीरा का फोन। हाँ बोलो। एक बात बताओ, तुमने कुछ क्यों नहीं खाया? खाना पसंद नहीं आया? नहीं ऐसा नहीं है, मैं नाश्ते में कॉफी के अलावा और कुछ नहीं लेता। तुम्हारे दोस्त को कैसा लगा, उसे पसंद आया? मीरा खाने के बारे में पूछ रही हो। सुपर बना था ऐसा कह दो। कह रहा है कि सुपर था, रोज नाश्ता वहीं करेगा। इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? अरे तेरी सेटिंग कर, मेरी फिक्र छोड़ दे। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो ना। Can I ask you something? हाँ, why not? If you don't mind. Don't mind? मैं हाँ तुम तुम्हारे मेरे डांस ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ क्या? Sure. Oh, thank you. See you. ये तुम लोगों का पजल गेम क्या चल रहा था? लगता है मीरा को डांस बहुत पसंद है और वो हमारे डांस टीम का हिस्सा बनना चाहती है। पर तुम्हें तो डांस पसंद है ना? नहीं पसंद है, बस आता नहीं है। काश तुम्हें आता, चलो रहने दो। पूर्णिमा बिल्डर वाला भाव से मिलने आया है। ये पूर्णिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अभी जो सरकारी ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक काम करना नामुमकिन है, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। भाव को प्लान दिखाओ। हमने ये प्रोजेक्ट धारावी के लिए बनाया है। हम उन लोगों के लिए हाई क्लास अपार्टमेंट बनाएंगे जो झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए यहाँ पर। उसके साथ साथ हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाएंगे सेल्स के लिए। और हाँ इसमें आपका भी एक बड़ा हिस्सा होगा। प्लान तो अच्छा है,
लेकिन बिल्डिंग बनने तक वो गरीब। तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, तुम्हारे साथ और कौन कौन है, मैं सब जानता हूं। तुम जो पैसे मुझे दे रहे हो वो गरीबों के घर बसाने के लिए हैं या गरीबों को बेघर करने के लिए? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। भाव, यहाँ क्या कर रहे हैं? अब शहद के साथ मक्खियाँ तो होंगी। प्लीज हमें भी डांस सिखा दो, आप ही हमारे गुरु हो, प्लीज सिखा दो ना डांस गुरुजी। ये बुढ़े घोड़े लाल लगाम अब डांस करके अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहते हैं। अभी जाकर इनकी हड्डियाँ ब्रेक करके इनको मैं ब्रेक डांस सिखा कराता हूँ। ब्रो, प्यार में कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, अगर तुमने उनसे अच्छा डांस किया तो मीरा तुम्हारी झोली में गिर जाएगी। स्टॉप। इन बुड्ढों के साथ डांस किया तो क्या डांस किया बेबी? असली डांस मास्टर कौन है? मैं हूँ। नमूना देखोगी? हे, यहाँ का बेस्ट डांसर कौन है? अब उनसे कंपटीशन कर, रगड़ नहीं दिया तो अपना नाम नहीं। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। हाय, आज तुम अकेली कैसे? तुम्हारी पलटन कहाँ गई? अरे वो मेरी पलटन नहीं है, पता नहीं वो उस दिन वहाँ कैसे आ गए, वो हर जगह मेरे पीछे नहीं आते हैं। अच्छा, जरा पीछे मुड़ के देखो। Excuse me, give me 2 minutes. क्या हुआ? ये सब के सब चेहरे लटका कर यहां से क्यों चले गए? ऐसा क्या कह दिया? मैंने सच बता दिया। मतलब आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम सारे के सारे प्योर कवारे हैं, हमें एक प्योर इंडियन लड़की की तलाश है ताकि हम उससे प्योर प्यार करके प्योर प्योर बच्चे पैदा कर सके। हम सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो भी इंडियन लड़की हम में से किसी को पसंद करेगी तो बाकी सब उसके लिए पीछे हटके कुर्बानी देंगे। What? We love you, madam. I love you तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन आज पहली बार we love you सुन रही हूँ। Yes, madam. Okay, stop, stop. मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। आप बस हाँ बोली मैडम, पापा को हम मनाएंगे। अरे पापा मान जाएंगे, लेकिन हस्बैंड? हस्बैंड? शादीशुदा? शादीशुदा है? अरे तुम आओ आओ। हाँ तो बोलो, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? रहने दो, मैं बस स्टॉक चेक करने के लिए आया था। अरे अभी तक खुला भी नहीं, चेक क्या करोगे? मीरा दिख नहीं रही, पापा नहीं है? वो अभी अभी बाहर गए हैं। तुम कुछ लोगे? Can I have some water? अभी आती हूँ। थैंक यू।
इतने बड़े घर में तुमने एक फोटो तक नहीं लगा रखी? किसकी फोटो? तुम्हारे हस्बैंड की। तुम्हें मेरे हस्बैंड की फोटो देखनी है? इस बार मुझे 300 बॉटल्स चाहिए। ओके सर। ये पुराना पेमेंट है, एक बार पैसे गिन लो। श्योर सर। हेलो सर। हाय विश्वा। पेमेंट लेने के लिए तो मैं आ जाता आपके पास। उसमें क्या हुआ, इसी बहाने मुझे तुम्हारी फैक्ट्री और ऑफिस देखने का मौका मिल गया। एनी टाइम सर, आइए। वेरी क्लासी हाउस। थैंक यू सर। वो क्या है ना, होटल तो मैंने भी क्लासी ही खोला था। जहां तक कुक का सवाल है ना, वो मुझे क्लासी नहीं मिल सका, बस यही कमी रह गई। कमी आपके सिर्फ कुक में ही नहीं है, और किस में कमी रह गई? वो क्या है ना, वैसे तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी अपने क्लास के हिसाब से नहीं की। मेरी बेटी की शादी हो गई? क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं इस बारे में। मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। हाय विश्वा। हाय। कोई दिख नहीं रहा, बाकी सब कहाँ है? हाँ, सब लोग बिजी हैं फैक्ट्री में। आज रिहर्सल तो है ना? हाँ है ना। तुम यहाँ वो वहाँ, एक बात समझ में नहीं आई कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड आखिर मिलते कैसे हो? हाँ, करें तो क्या करें, मैं कब से उन्हें यहाँ आने के लिए कह रही हूँ, लेकिन यू नो शूटिंग की वजह से बहुत बिजी रहते हैं। वो तुम्हें फोन तो जरूर करता होगा ना? जब टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। हाँ। और जब फोन करते हैं तो छोड़ते ही नहीं है। अच्छा। आई लव यू शोना, आई लव यू जानू, बस यही बोलते रहते हैं। आज सुबह ही फोन किया था लेकिन फोन उठाया नहीं, बिजी होंगे। मेरा तो आज मन ही नहीं लग रहा है। रेडी विश्वा, लेट्स स्टार्ट। या। वन सेक। हेलो। हेलो जानू, हम तुम्हारे निरहुआ। निरहुआ? कौन निरहुआ? अरे निरहुआ मीरा, तुम्हारा हस्बैंड। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया, बात करो ना। मुझे बात नहीं करनी है, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, मेरा फोन नहीं उठाया उसने। इतनी भी क्या बेरुखी। आज तो मैं तुम दोनों की बात करवा के रहूंगा। देखो देखो क्या कर रहा है, बात करो बात करो। अरे फोन कहीं काट दिया जानू, आई लव यू। वाओ, आई लव यू, कितने प्यार से बात कर रहा है। बात करो बात करो। क्या मार सोना, तुम्हारा फोन नहीं आवाज कर। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ये बिल्कुल बिजी नहीं है, बात करो बात करो। बोलो बोलो क्या काम है। तुम्हारी याद इतनी सतावत रहे इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ आ गया, पूछो तो कहाँ है। कहाँ हो तुम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? अरे तुम्हारे दिल के करीब, तनी पीछे तो पड़ा। मैरिज, हस्बैंड, सॉरी। थैंक यू निर्वा। पकड़ी गई। सॉरी। चलो चलो गुंडा भाव तो चल, हॉस्पिटल के अंदर चरस का धंधा करता है। जानता है किसका हॉस्पिटल है? अबे रुपया आरोप डालता है। चरस बेचता है साले, ले सबके सब फोनदार। ड्रग्स और नकली दवाइयां बरामद की।
राजबाई पुलिस कमिश्नर ने भाव को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है। Don't worry, everything's fine. पैर में थोड़ी सी चोट लगी है। ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। पैरों पे ज़्यादा प्रेशर न ले, स्ट्रेन बढ़ सकता है। Understand? Take care. डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? ज़्यादा चोट नहीं लगी है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। You all right? जाने दे विश्वा, हम नेक्स्ट टाइम हिस्सा लेंगे। देखते हैं। Oh my God! Woo! Yeah! Yeah, who's that? What happened? What happened? जाने दे विश्वा, इनके मुंह मत लग। It's you. Yeah, it's me. What? अरे विश्वा, विश्वा, छोड़, विश्वा। What the bloody hell is happening? Are you dancers or fighters? Get the hell out of here now! लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं सुलझता विश्वा। तुम्हारी जीत उन्हें मारने में नहीं, इस डांस कंपटीशन को जीतने में है। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? मीरा मुझे सब कुछ बता चुकी है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कब मिल सकता हूँ? पापा मुंबई में बिजनेस करते हैं, वो बस साल में एक बार मुझसे मिलने यहाँ आते हैं। मुझे उनसे शादी की बात करनी है, तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो? तुम्हारी शादी करने के बाद वो यहाँ आएंगे? समझ में नहीं आता, अपने बेटे से जरूरी क्या काम हो सकता है? नॉट फेयर, उनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ,
कोई जरूरी काम आ गया होगा। ठीक है, अगर वो बिजी है तो हम इंडिया चलेंगे। मैंने कई बार वहां जाने की जिद की अंकल, लेकिन उन्हें मेरा इंडिया आना पसंद ही नहीं है। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हम वहां पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देंगे। पर कहीं वो नाराज तो नहीं होंगे? हे ब्रो, क्या हुआ? क्या ब्रो, तूने मुझे बताया नहीं तू उसे चाहता है? भाई होके भाई से छुपाया? अरे एक बार बोल के तो देखता, मैं तेरे लिए अपनी जान हाजिर कर देता। अरे क्या कह रहा है ब्रो? इट्स ओके ब्रो, मैं अपनी बाकी बची जिंदगी यूं ही खुशी खुशी काट लूंगा, लेकिन तेरे बीच में नहीं आऊंगा। मैं अच्छा दिखता हूँ, मुझे हजारों मिल जाएंगी। अच्छा कि तेरा जैकपॉट निकल आया। विश्वा, टाइम हो गया, निकले। बॉयज बाय। एक्सक्यूज मी, योर इमिग्रेशन फॉर्म। विश्वा जी अंकल, मुंबई में तुम्हारे पेरेंट्स रहते कहाँ हैं? मुंबई में कोई मशहूर सी जगह पर रहते हैं। मशहूर मतलब दादर, जुहू, बांद्रा? हाँ बांद्रा, बांद्रा, वहीं वहीं रहते हैं। हेलो चाचा, मैं विश्वा बोल रहा हूँ। मुंबई में हमारा घर कहाँ है? क्यों? मैं कल सुबह इंडिया आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? पापा को पता न चले, एयरपोर्ट पर कार भेज दीजिएगा। विश्वा, तुम ऐसे अचानक इंडिया? सर प्लीज स्विच ऑफ द फोन, द फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ। ओके काइंडली गेट बैक टू योर सीट। थैंक यू, मैं बाद में कॉल करता हूं। विश्वा हेलो सर। हां टैक्सी सर, सर मेरा टैक्सी नाउ आ जा रहा है। अरे अरे सर, साहब टैक्सी, साहब टैक्सी, साहब टैक्सी, कहां जाने का साहब? मेरी टैक्सी में चलो साहब। विश्वा मेरे साथ चलो। तुम? मेरा नाम चाचा ने भेजा है, चलो। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही बिजी हैं, लेकिन चाचा भी कम बिजी नहीं है। सॉरी अंकल। इट्स ऑल राइट, कम से कम हमें लेने के लिए ऐसी गाड़ी तो भेजी होती। पापा आप भी ना। ये कहाँ ले आए? चाचा ने यही आने को कहा था। आओ विश्वा, पुलिस ने तो नहीं देखा ना? नहीं भैया। राजू ड्राइवर से गन ले लो। ये सब क्या हो रहा है, और ये लोग कौन है? फिक्र मत करो विश्वा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भाव देंगे। पापा कहाँ हैं? यहाँ के हालात की वजह से तुम उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। कोई नहीं जानते वो कहाँ हैं, लेकिन वो जानते हैं कि तुम यहाँ आ चुके हो। जल्दी ही वो तुमसे मिलेंगे। ये सब क्या है विश्वा, क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता एक बड़े बिजनेसमैन है, वो कौन है, आखिर वो करते क्या है? पापा ने कहा था कि उनका एक बड़ा बिजनेस है। अगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसे छिपके क्यों रहते? कोई बिजनेसमैन भला पुलिस से क्यों डरेगा? बड़ी अजीब सी बात है। अंकल तुम्हारे पापा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना? पापा देखो मीरा, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीरा मेरी बात का यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं भी यहां के भाव को मिलने का वक्त हो गया है, आइए। सिर्फ तुम आओ, अंदर आ जाओ। चाय? नहीं, बैठ जाओ। चले मेरे पीछे आओ। Thank you.
पापा कहाँ हैं? ऊपर मिलेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा और सुना, मुझे लगा वो मेरी आंखों का धोखा है, पर अब समझ में आ रहा है। मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है, और ये सारी चीजें आपके लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप कौन हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? जवाब दीजिए पापा। दुख दूर करना चाहता था और साथ ही तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच ना है, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें अपने से दूर रखा मैंने। लेकिन इस तरह छिपके जीना? ना ही तो मैं गांधी हूं ना ही बुद्धा, मैं बस एक मामूली इंसान हूं। मैं तो अपनों के लिए वही करता गया जो मुझे ठीक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा क्या ठीक है क्या गलत, लेकिन मेरी एक हरकत की वजह से किसी की चोट नासूर में बदल गई। दोनों का दुश्मन एक ही है, भाव। चल हॉस्पिटल के अंदर चरस का धंधा करता है। जानता है किसका हॉस्पिटल है? अबे हम पे आरोप डालता है, चरस बेचता है। भाव पुलिस नहीं जगत अशोक मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा। मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भीमा की वजह से छिपके नहीं बैठा हूं, इन बस्ती वालों के लिए जो अन्याय के शिकार हैं। मैं इन लोगों की जिंदगी नरक होते हुए नहीं देख सकता विश्वा। पापा ये सब छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए। मैं आप कहीं नहीं जा सकता, यह रास्ता एक वन वे है और मैं इस पे बहुत आगे निकल चुका हूं। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो मेरी रक्षा करेगी या मेरी जान लेगी। इसे छोड़ना नामुमकिन है। विश्वा, तुमने जो भी कुछ देखा भूल जाओ उसे, वापिस चले जाओ। मुझे लगता था कि आप यहाँ मुंबई में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ आराम से जी रहा था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। तुम्हें ये जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, इसे मुझे जीने दो।
तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जिससे चाहते हो उससे शादी कर लो, हमेशा खुश रहो। एक बाप की आखिरी इच्छा है। भाव, विश्वा के साथ जो आए थे वो हमें देखकर बुरी तरह डर गए। वो आज रात ही यहां से जा रहे हैं। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, टैक्सी ली और होटल चले गए। कौन सा होटल? हम नहीं जा सकते, शहर के हालात ठीक नहीं हुए और वो पुलिस वाले। तुम सबका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा, मैं अकेले जाऊंगा। भाव, यह मेरे बेटे की खुशी का सवाल है। पापा, ये मीरा है। मैं यहां भाऊ बन के नहीं, विश्वा का पिता बन के आया हूं। देरी हो रही है, पैकिंग करो, टैक्सी आती होगी, तुम अंदर जाओ। आप अपने साथ मेरे बेटे को भी ले जाइए। आप मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसमें विश्वा को कोई लेना देना नहीं। एक बूढ़े बाप के खातिर। पापा, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, चलिए यहां से। नहीं विश्वा, मुझे एक बाप का फर्ज अदा करना है। सर, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत। डोंट मूव, वी आर फ्रॉम CBI। क्या मैं डांस टीम में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? पापा, पापा! पापा! थैंक यू। मिस्टर विश्वा, मुंबई पुलिस ने हमें भाव को पकड़ने के लिए खास मिशन सौंपा था, उसी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया गए ताकि आपके जरिए हम आपके पिता तक पहुंच सके। I'm sorry, लेकिन हम
पुलिस कस्टडी में हुई भाव की मौत की वजह से लोग पुलिस पर भारी पथराव कर रहे हैं। लोग बेकाबू हो गए हैं। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंबई में स्पेशल फोर्स भेजने का ऐलान किया है। भाव को गिरफ्तार करने का प्लान था या जान से मार देने का? What nonsense! आप लोग कुछ जवाब दीजिए। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज हट जाइए, प्लीज हटिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाव की मौत एक रहस्य बन गया है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आखिर भाव को क्यों मारा गया? उनके खून के पीछे किनका हाथ है? इस केस में आगे छानबीन करने के लिए मुझे ऑर्डर दीजिए सर। मीरा, तुम अभी यंग हो, तुम्हें अभी बहुत जोश है, लेकिन ये एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम में अकेले नहीं है, पॉलिटिशियंस और अपराधी भी इसी का एक हिस्सा है। पुलिस और सिस्टम दोनों का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। हम इसमें पीछे नहीं हट सकते। ऐसा हुआ तो लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर हंसेंगे। मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं हर चीज पर सवाल उठाकर बस सही का साथ देना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो सिर्फ मैं खुद को नहीं बदल सकती सर। जिस दिन मुझे लगा मैं बदल रही हूँ, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगी। हालात के आगे घुटने टेकना मेरी फितरत नहीं। आज से मुंबई पर मेरी हुकूमत। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपने पापा का बदला ले लिया। लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिशियंस के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। भीमा, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। भीमा की दादागिरी बढ़ती जा रही है। वो हमसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहा है। हम भीमा के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना वो हमें मार देगा। जब तक भाव थे हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारा क्या होगा? मैं हूं ना। बेटा, तुम यहां नए हो। तुम नहीं जानते भीमा यहां क्या कुछ कर सकता है। उसने भाव को भी मार दिया तो हमारी क्या औकात है? बंद करो ये बकवास। हमें भीमा की बात माननी होगी, वरना वो हमें मार देगा। सब डरपोक है साले। आज हमने उसे नहीं रोका तो वो हमारे सर पे बैठ के मुतेगा। विश्वा, अब हमारी बारी है। मैं तुम्हारे साथ। तुम बरसों से विदेश में रहे हो विश्वा, इसलिए कुछ नहीं जानते। ये दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, जिसे तुम नहीं मिटा सकते विश्वा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत। न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। मैं उन सबको पापा की तरह न्याय दिलाना चाहता हूं। कौन सा न्याय? वो जो उनके हाथ की कठपुतली है? देखा नहीं कमीनों ने भाव को? भाव की मौत का बदला कैसे लेना है हम जानते हैं। भैया, टिकट। ये तुम्हारा वापस जाने का टिकट है। चले जाओ यहां से, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाव मुझे माफ नहीं करेंगे। श्याम, एयरपोर्ट जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं भाई, इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे। ए, पकड़ो उसे! विश्वा, विश्वा रुको, विश्वा रुको, मत जाओ, गाड़ी में से मत उतरो, विश्वा रुको। तेरी मौत उन सभी लोगों के लिए एक सबक होगी जो भीमा भाई के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करेंगे। विश्वा, तुम इन लोगों को नहीं जानते, चलो यहां से। विश्वा, विश्वा,
ठीक तो भाई, चलो आगे करो, होश में रहो, होश में रहो। आप लोग बाहर रहिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, बस आप प्रार्थना करिए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मना किया था ना, तुम्हें जाने के लिए कहा था, फिर क्या जरूरत थी उनका रखवाला बनने की? चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा, तुम नहीं जानते इसका अंजाम। हम इसलिए चुप नहीं बैठे कि हम डरते हैं। तुम जाओ विश्वा, सही वक्त आने पर हम जवाब देंगे। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, ना ही तुम्हारी वजह से अपने लोगों को। भाव इन लोगों के लिए देवता थे और हमेशा रहेंगे। चले जाओ। लगता है वो वापस नहीं जाने वाला। हमें लगा अभी वो बच्चा है। सिर्फ बच्चा नहीं है, भाव का बच्चा है। कहीं कल के डिमोलिशन में उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं होगी, उसे भी भाव के पास भेज देंगे। जिंदगी में कोई भी काम करो, उसमें सफल होने का इरादा रखो। या!
मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। इस बस्ती को खाली कर दो वरना हम बुलडोजर चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। ले आओ। ये एक मर्डर केस है, जमानत नहीं मिल सकती। हमें विश्वास से मिलना है। सुना नहीं तूने? चल निकल यहां से। इंस्पेक्टर। ऊंची आवाज में बात करता है। के बेटे विश्वा को अगर कुछ हो गया ना तो चलो इनको कोर्ट में देख लेंगे। कोई नया केस आया क्या? हाँ यार, भीमा के आदमियों को मारने का केस है। सुना है मुजरिम भाऊ का बेटा है। हाँ, लेकिन वो फॉरेन में पला पड़ा। लेकिन अभी वो कहाँ है? हाँ, जेल में ही। सेंट्रल जेल में है क्या? नहीं नहीं, माइन पुलिस स्टेशन। ऐसे हालात में तो उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। भीमा भाई आप, तेरे बाप की अर्थी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू अपनी अर्थी निकलवाने के पीछे पड़ा है। सोचा था कि तुझे माफ कर दूं। वह नहीं करूंगा। तेरी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। तू क्या उखाड़ेगा? बहुत जल्द तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तू मुझे मारेगा। कुत्ते की मौत। तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे यही ठोक दूंगा। भीमा भाई, अगर इसे यहां मारोगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप इसे उठवा लो, उसके बाद आप इसके साथ जो करना चाहे करो। मेरा वादा है। बच्चे, तेरी सारी हेकड़ी आज रात को ही निकल जाएगी। विश्वा, छोड़ दो इसको। छोड़ दो। खोल दो रस्सी। हाँ।
हमारा काम है मुजरिम को कोर्ट लेके जाना, उन्हें मारना नहीं। बटन लगाओ। मैडम, इस केस में इन्वॉल्व होना आपके लिए अच्छी बात नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये पॉलिटिक्स है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही उनके लिए काम करती हूँ। मैडम, आई विल सरेंडर इन द कोर्ट। पानी। विश्वा, सर एक प्रॉब्लम है। ओके। सर, ये लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो पकड़े हुए अपराधी को कोर्ट लेकर जाएं। तुम बीच में मत पड़ो। बट सर, विश्वा भी। मूव फ्रॉम देयर। दैट्स एन ऑर्डर। अबे कल घर जा तू। सर मेरी नाइट ड्यूटी। घर पे जाके नाइट ड्यूटी कर। ए इधर आ। जी सर। मेरे लिए चिकन बिरयानी और मटन कोरमा लेके आ। जी सर। आराम से आना, जल्दी नहीं। जी सर। गाड़ी रुको। अबे सालो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलो, चली चली कर। विश्व भाई, राजू उठो। जल्दी 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 लेके जाओ। चुप चुप चुप। ए रुको रुको रुको। अबे मुझे मार के तो जाओ, लगना चाहिए कि असलियत में ऐसा हुआ है। हाँ, अबे मार मुझे। अब तू मार। जाओ 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 जाओ, बहुत मार लिया। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। विश्वा कहाँ? विश्वा? अबे ये तेरे आदमी अभी तो उसे लेके गए। कल रात को तुम्हारी कस्टडी में था, हमें अभी उसे कोर्ट में पेश करना है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर उसके लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया था, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह कोर्ट में पेश करूंगा। पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है, इस जैसे पुलिस वालों की वजह से लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है। कोई गवाह? नो योर ऑनर। क्योंकि अपराधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या कोई गवाह पेश नहीं हो पाया, इसलिए अदालत मिस्टर विश्वा को बेल देती है। शुक्रिया। इट्स माई ड्यूटी। कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने नहीं आया, डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। रखवाला वो नहीं होता जो हमें राह दिखाए, बल्कि हमारे लिए राह बनाए। सभी तुम्हें रखवाला कह रहे हैं, तुम में एक उम्मीद देख रहे हैं। Oh,
ये पैसा आपके लिए नहीं, हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए। प्लीज इसे रख लीजिए। हम सब भाव के ट्रस्ट के मुलाजिम हैं, तुम सबको तनख्वाह मिल जाएगी। ये रहे तुम्हारे एटीएम कार्ड्स। इसका नाम कुमार है, ये एक वीडियो शॉप चलाता है। माटुंगा में इसकी शॉप के सामने एक साइबर कैफे है। क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग छुपकर लड़कियों की गंदी तस्वीरें खींचते हैं। पुलिस स्टेशन? किसने फोन किया? ये तेरी बीवी का वीडियो है, जा कर कंप्लेंट। जुर्म करना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन उसे रोकना हमारी परंपरा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां पर सभी काम के हैं, बस मैं ही हूं जो किसी काम का नहीं। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, आज से तुम इसे चलाओगे। अगर मैं इस युग का अर्जुन हूं तो तुम कृष्ण हो। घर आ गया। ब्रो 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 ब्रो, मैं आ गया। लो सुनो, तुम कौन हो भाई? ये जरूरी नहीं है। नमस्ते अंकल। खुश रहो, फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ, प्लेन की हेडलाइट खराब थी। यादव भाई का बेटा है। ओ, तुम तो कितने बड़े हो गए हो, कैसे हो बेटा? हाँ, बस आपका आशीर्वाद है। तुम्हारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, उन्हीं ने तो हम सबको हमारा भाव दिया था। चलो अच्छा है, आपको भाव तो मिला, मेरे लिए रुपया डॉलर पाउंड छोड़कर गए कि नहीं? अंकल अभी मैं यही रहने वाला हूँ, बाद में देना मुझे। विश्वा कहाँ है? वो अंदर मीटिंग में है। मीटिंग में है या सेटिंग में? ब्रो ब्रो, आपने तो कहा था मीटिंग चल रही है, लेकिन ये भले लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों खड़े? ये कोई सीधे साधे लोग नहीं है, सारे के सारे गुंडे हैं, बदमाश हैं। गुंडे बदमाशों के साथ विश्वा मीटिंग क्यों कर रहा है? विश्वा इन सबको सुधार के इन्हें नई जिंदगी जीने का मौका देना चाहता है। मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन, गेट आउट। ये सब क्या हो रहा है? तुम तो बिल्कुल अलग जोन में जा रहे हो, तुम तो अपने पापा से मिलने आए थे ना, यहीं पे सेटल हो गए? ये सब छोड़ना ब्रो, वापस चलो ऑस्ट्रेलिया। मैं अब कहीं नहीं जा सकता, ये रास्ता एक वन वे है और इस पे मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो मेरी रक्षा करेगी या मेरी जान लेगी, इसे छोड़ना नामुमकिन है। बताओ भीमा, आगे क्या सोचा है? अगर मैं तुम्हें सीएम की कुर्सी पर बिठा सकता हूं तो उस कुर्सी पर से गिरा भी सकता हूं सीएम। बात क्या है भीमा? विश्वा की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसके पीछे आज लाखों लोग चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हुए हैं, हमने कुछ भी किया तो वो भाव की जगह ले लेगा। जहां गुस्सा काम नहीं आता वहां दिमाग लगाना पड़ता है, टेढ़ा दिमाग। बाहर से आए लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहर से आए लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहर से आइए दामाद जी, आपका स्वागत है। नहीं चलेगी, अपने घर। क्या रे, तेरा दूल्हा तो बड़ा मस्त है। बाहर से आए लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहर से आए लोगों
यहाँ क्यों बुलाया? देख, यहाँ हर रोज कोई ना कोई संगठन भरी धूप में अपने हक के लिए प्रदर्शन करता ही रहता है। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? अबे ये माटुंगा एरिया है, ये अपुन का एरिया, समझा क्या? आज ये लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच हम अपने आदमी लोग को घुसा देंगे, वो लोग दंगा करेंगे और दंगे को शांत करने के लिए विश्व यहाँ जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम उसे टपका डालेंगे। विश्व यहाँ क्यों आएगा? आएगा रे छिलेले बैंगन, लोगों का रखवाला है वो। तो मुझे क्या करना है? तुझे कुछ नहीं करना है, बस जब तक हम विश्व को मार नहीं देते पुलिस को यहाँ से दूर रखना। अच्छा प्लान क्या है? ये देख, ये सारे आदमी अपुन के ईच है। तुम लोग के यहाँ से जाने के बाद ये दो अलग अलग गुटों में बट जाएंगे। एक गुट जाके प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ जाएगा, दूसरे गुट के लोग भीड़ में जाके खड़े हो जाएंगे। अपनी अपनी जगह लेने के बाद भीड़ में खड़े हमारे लोग प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे। किसी को चोट लग जाएगी और प्रदर्शनकारी वहां से भागने लगेंगे, लेकिन उनका हिस्सा बने हमारे आदमी बाकी लोगों पर पेट्रोल बम फेंकने लगेंगे। फिर तो यहां हाहाकार मच जाएगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा दंगा होने लगेगा। हाँ भीमा भाई, नहीं विश्व अभी तक नहीं आया लेकिन आ जाएगा। राजू बोल रहा हूँ। हाँ रे राजू ही बोल रहा हूँ। विश्वा भाई, वीडियो पार्लर का कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आज माटुंगा एरिया में जो चाचा, शायद माटुंगा में दंगे शुरू हो गए हैं, जाकर देखो जरा। ए, गाड़ी। हाँ भाई। अरे अरे कौन हो भाई तुम? अरे अंदर कैसे आ गए? अरे ये क्या हो रहा है? इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी से ले जाओ हॉस्पिटल। चलो जल्दी चलो, गाड़ी लेके जाओ। मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ।
इतना कुछ हो गया और एक पुलिस वाला भी नहीं पहुंचा। फोन किया था तो फिर क्यों नहीं आया कोई? काका, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने उनके लोगों को मारा है और अगर हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हॉस्पिटल जला देंगे। बाहर निकालो उन्हें, यहाँ से नहीं जाएंगे, बाहर निकालो उन्हें। आप इससे दूरी रहिए, आप बीच में मत आइए। नहीं, हट जाइए आप। विश्वा भाई, इन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है। हम जैसे तैसे करके इन लोगों को यहां बचा के लाए हैं। मैं नहीं जानता कि कौन इसमें महाराष्ट्र का है, कौन बिहार का है, कौन यूपी का है और कौन साउथ का है। अगर तुम बता सको तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, फिर तुम चाहे सबकी जान क्यों ले लो। आओ बताओ, इसका बहता खून इसके बारे में क्या बताता है? बता सकते हो कि ये कहां का है? बोलो, क्यों इन्हें बलि चढ़ाया जाता है? ऊपर वाले ने हमें एक ही बनाया है, लेकिन कुछ लोगों ने हमें जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांट दिया। तुम लोग इनकी जान के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हो क्योंकि ये यहां के रहने वाले नहीं है? अरे ना समझो, तुम दोनों अलग अलग देश के नहीं हो, एक ही देश के हो, इंडिया। यहां जो जहां चाहे वहां रह सकता है। अगर अब भी तुम्हारे दिल में इनके लिए नफरत है तो जा मार दो, जा। दुनिया में हर किसी को परिवार का सुख नसीब नहीं होता। मेरी तरह कुछ लोग बिन माँ बाप के जीते हैं। आप में से बहुतों के भाई नहीं होंगे, बहन नहीं होंगी। हमारी इसी कमी को पूरा करने के लिए भगवान ने आज इन्हें भेजा है और मैं जानता हूं कि हम इनके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे और दिल से करेंगे। अंकल, अंकल, क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊं? साथ चलो, आइए, आप भी आइए, आइए आइए, मेरे साथ चलिए। आज सच में हमें भाव मिल गया। माटुंगा इलाके में हाल ही में जो दंगे हुए थे उसमें पुलिस के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं, जिसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। हमारे न्यूज रिपोर्टर जो इस न्यूज को कवर करने में लगे हैं, उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें दंगों को भड़काने वालों को साफ साफ देखा जा सकता है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं ताकि आप भी उन लोगों को पहचान सके। अगर तुम भी यहीं रुक गए तो ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे पानी के बिजनेस का क्या होगा? कहे का बिजनेस यार, पानी बेचते बेचते मैं पानी पानी हो गया हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे पापा बड़ी तोप थे, पर उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पानी बेचकर पूरे खानदान का नाम पानी में मिला रहा था। छी, कितने शर्म की बात है। वैसे तुम यहाँ करोगे क्या? विश्वा मेरे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए मैं यहाँ रहकर उसे फुल सपोर्ट करूंगा। दीदी, दीदी आ गई, दीदी, दीदी, नमस्ते, नमस्ते दीदी, बहुत ही चकाचक जीप है। दीदी, मैं विश्वा को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मुझे तो वो फेसबुक पे मिला था। दीदी, आपका यूनिफॉर्म देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाऊँ। आप तो एकदम पूजा बेदी, मेरा मतलब है कि किरण बेदी जैसी लग रही है। राखी पे मिलेंगे, बाय। पसीने छूट गए उसके या तुम्हारे? बोरिया बिस्तर बांध लो, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये रास्ता वन वे है, दो धारी तलवार है, या तो मरो या मारो। मैं इन्हें पहचानता नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अब किसी भी बात का डर नहीं है क्योंकि हम जिसकी पनाह में हैं
वो हमारी रखवाली करना अच्छे से जानता है, वही हमारा भगवान है। इनकी वजह से हमारी जिंदगी बच गई, हमारा विश्वा भाई। भगवान इन्हें लंबी उम्र दे और एक अच्छी जीवन साथी दे जिसके साथ जिंदगी भर खुशी से रहें। गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए प्लीज प्लीज। आइए सर, बताइए, हम जाना चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। भीमा ठीक है ना? हाँ सर। उसे कहना जब तक मैं नहीं कहता वो मुंबई में आने की सोचे तक नहीं। सीएम साहब, उस टेप को हम संभाल लेंगे, आप सब हम पर छोड़ दीजिए, उसे खत्म कर देंगे। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो हम सब फंसेंगे। एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स में उठाया हुआ हर एक कदम मायने रखता है, हमें हर मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। विश्वास से प्यार का नाटक करके इस घर में कोई भी लड़की घुस सकती है, वो CID, CBI या FBI हो सकती है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। तुम अगर गौरी की बात कर रहे हो तो वो मुझे पुलिस वाली कहीं से भी नहीं लगती। हाँ, मुझे भी वो ऑस्ट्रेलिया वाली लगी नहीं थी। पक्का प्लान बना के गौरी आएगी और हमें जेल में डालेगी। चनिया चोली में कहाँ बंदूक छुपाएगी हमें पता तक नहीं चलेगा। गोल गोल घुमा के हमें भैया के नमस्ते भैया। नमस्ते। तो हमें चौकन्ना बोला था ना, भैया बोल के चूना लगाएगी। चल चल चल। हाँ ठीक है, एक मिनट। आपके विश्वा भाई का कमरा कहाँ है? उधर है। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा था? बाय। विश्वा तू बच गया। दरवाजा खोलो। गौरी, विश्वा भाई बाहर है। नमस्ते। विश्वा सुबह सुबह बार में, हम दोनों को इनवाइट नहीं किया? अरे बार में नहीं, बाहर है। अरे तो हम अंदर क्या कर रहे हैं? विश्वा, अरे यार खोलो। विश्वा बाहर है तो बाथरूम में कौन है? मेरे बापू हैं। विश्वा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, आके जल्दी से खा लो। आंटी, वो उन्हें कुछ काम है, मैं परोस देती हूँ। विश्वा, आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ। वो टीवी की आवाज थी। मुझे पक्की ये जासूस लगती है, अगर हम यहीं खड़े रहे तो अपने काम को अंजाम दे देगी। मेलबर्न सिडनी। रुको, क्या कर रहा है? अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो हम लोग हीरो से जीरो बन जाएंगे। भाई चारे में हीरो जीरो नहीं देखा करते। हट। आज के मुख्य समाचार। मुंबई के माहिम स्टेशन पर कुमार नाम के एक फोटोग्राफर की हालातों में मौत हो गई है। लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं। पुलिस ने क्या हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है ये तो वही आदमी है जो मेरी शादी का वीडियो शूट करने आया था। तो फिर ये माहिम स्टेशन कैसे पहुँचा? इस कुमार की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी? इसका मर्डर छानबीन के बाद ही हो पाएगी। पुलिस इसकी छानबीन में लगी। माहिम स्टेशन से मुझे कुमार का फोन आया था और गौरी बता रही है कि कुमार माटुंगा में उसकी शादी में मौजूद था। फिर वो शादी छोड़ के माहिम में क्या कर रहा था? विश्वा भाई, भाई दंगों में जो जो लोग शामिल थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हाँ तो क्या हो गया? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि विश्वा भाई ने उन्हें दंगा भड़काने के लिए उकसाया था। पुलिस किसी भी वक्त यहां आती होगी विश्वा भाई को गिरफ्तार करने के लिए। विश्वा पंसी से वो सारी हकीकत उगलवा लेगा। हमें लगा टेप उसके पास है,
इसलिए हम उसका पीछा करते गए। लेकिन टेप उसके पास नहीं थी। मुझे लगा था कि उसने टेप यहीं कहीं छिपा कर रखी होगी, इसलिए मैं उसे यहां ढूंढने आया था। उसने वो टेप किसी को नहीं दिया। अगर उसने वो टेप किसी को दिया होता तो अब तक उसमें कैद वीडियोस हर जगह छा गए होते। ट्रेन में चढ़ते वक्त टेप उसके पास था। अगर उतरते वक्त टेप उसके पास नहीं था तो ट्रेन में जरूर किसी जेब कतरे ने उसे चुरा लिया। यस, मुंबई में जेब कतरे हर जगह फैले हुए हैं, हजारों की तादाद में हैं। और उन हजारों का कोई तो लीडर होगा। उनका लीडर चेंबूर का मुन्ना है। भीमा अब तक तो समझ गया हो कि हमें उस टेप की तलाश है। विश्व टेप हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, उससे पहले वो टेप मुझे चाहिए। इट्स अ डू और डाई। नमस्ते विश्वा भाई, नमस्ते। इस गरीब के घर पे आप? दो दिन पहले विश्वा के दोस्त का सामान किसी जेब कतरे ने माहिम से उड़ा लिया था। वो तुम्हारे पास है? अगर नहीं है तो बताओ वो कहाँ मिलेगा। आपका वो दोस्त बहुत फेमस है क्या? क्यों? थोड़ा टाइम पहले भीमा भाई और उसके लोग आए थे, वो भी आपके दोस्त के सामान के बारे में पूछ रहे थे। किसने चुराया है? वो एरिया बांद्रा के राजू का है। उसका फोन नंबर है? भीमा पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ा है और फिलहाल वो हमसे आगे है। बार बंद हो गया भाई, किसी दूसरे बार में देखते हैं। हाँ भीमा भाई, विश्वा ने उस जगह का पता लगा लिया है जहां पर वो टेप छिपा हुआ है। वो अभी बांद्रा स्लम थर्ड स्ट्रीट जा रहा है किसी नंदू से मिलने। तुम विश्वा से निपटो, मैं नंदू से निपटता हूं। अब की बार कोई गलती नहीं, फिक्र मत कीजिए। बांद्रा स्लम थर्ड स्ट्रीट, नंदू यादव, मुझे जल्द से जल्द उसका नंबर चाहिए। प्रियस। हाँ भाई बोलो। अरे नंदू का नंबर है क्या तेरे पास? बांद्रा स्लम नंदू मालूम नहीं भाई। बांद्रा के नंदू का नंबर है? पुराने सिम में था भाई। मुस्तफा, बांद्रा स्लम नंदू का नंबर है क्या तेरे पास? नहीं है भाई। धारावी वाले नंदू का नंबर है तेरे पास? नहीं मालूम। हाँ वही नंदू का। हाँ रुको, नंबर लिखो भाई। हाँ नंबर लिखो भाई, नंबर लिखो भाई। 9820193 67। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अबे कौन है? फोन लग गया, बात करो। नंदू, विश्वा भाई। क्या विश्वा भाई? पूछो अभी कहाँ है? इधर है तू। खोली बस सोहेला भाई। विश्वा भाई तुझे मिलने आ रहे हैं। क्यों झटके दे रहे हो भाई? अब मुझसे कोई मिस्टेक हो गया होता तो बोल देते, मैं खुद आ जाता। रुको मत, उससे बात करते रहो। सुन रहे नंदू, तू घर पे रहो, हम लोग आ रहे हैं। अरे पुलिस, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। ए रुक, रुक। गाड़ी बढ़ो, गाड़ी बढ़ो, गाड़ी तेरा घर बांद्रा स्लम है ना, पूरा पता लो से। लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट। फोन उठा, फोन उठा। कल की जगह चलते। कल नहीं नहीं परसों माइम स्टेशन में जेब काटने का काम तू ही कर रहा था ना? हाँ भाई। तूने जो चीजें चुराई है कहाँ है? गलती हो गई भाई, अब किसी का पर्स नहीं मारूंगा। अबे बोल। अपुन ने वो एक पहचान वाले की कंपनी में छुपा के रखा है। कंपनी? कैसी कंपनी? उसे फोन रखने मत देना, उसे पूछो कि वो कंपनी कहाँ है। चलते कंपनी बता, बता। अबे वो कंपनी किधर है भाई? वो अपना फर्स्ट स्ट्रीट। फर्स्ट स्ट्रीट में किधर? एड्रेस बता। फर्स्ट स्ट्रीट में किधर? विशा भाई को बोलो टेंशन मत लो, मैं फर्स्ट स्ट्रीट के नाके पे आ रहा हूँ। जल्दी आ, जल्दी। अरे तू जल्दी वहाँ पहुँच, चल चल। भाई मैं आपके पहले वहाँ पहुँच जाऊंगा। निकला कि नहीं? हाँ हाँ भाई निकल गया। अच्छा कंपनी किधर है? अरे भाई बोला ना फर्स्ट स्ट्रीट में। किधर बोला? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या भाई? फर्स्ट स्ट्रीट में। फर्स्ट स्ट्रीट कहाँ है? बांद्रा स्लम फर्स्ट स्ट्रीट भाई। वो कहाँ है? अरे भाई तुम आगे जाओ। ठीक है। हेलो भाई, भाई मैं बस भाई पहुंच रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रीट उधर ही है। अच्छा किधर? उठो उठो। उधर लव में लिखा होगा। उधर ही रुको भाई। अच्छा किधर? भाई वो अपने ठिकाने के सामने वड़ा पाव की दुकान है। अच्छा किधर? भाई उसके बाजू में एक नवजीवन स्कूल भी है, बड़ी स्कूल है भाई। अच्छा अच्छा किधर? भाई भाई ये बताओ आप किधर है? मैं वहीं आता हूँ, आप टेंशन मत लो भाई। अपना अड्डा एकदम मेन रोड पर है भाई। अच्छा
किधर? कौन इसको भाई बनाया? भाई आप जिधर हो वहीं रुकिए, मैं आपको ढूंढ लूंगा। भीमा भाई, नमस्ते भीमा भाई। ए, इधर थर्ड स्ट्रीट किधर है? सीधा जाके बाएं मुड़ो भाई। चलो चलो। सॉरी भाई, आप किधर है भाई? वो घर पर नहीं है, अभी कंपनी गए हैं। कंपनी किधर है? फर्स्ट स्ट्रीट पे। कब आएंगे? आप अपना नंबर दे दीजिए, आते ही फोन करवाऊंगे। कितने फोन आते हैं? अबे साले, नंदू तो है किधर? माहिम स्टेशन पे जो टेप चुराया था वो कहाँ है? टेप का तो पता नहीं, पर वड़ा पाव जरूर मिल जाएगा। विश्वा, मुंबई में हाल ही में हुए दंगों में अब एक और नया चौंकाने वाला सबूत सामने आया है। एक वीडियो टेप की वजह से इस केस ने अब एक नई करवट ले ली है। इस टेप को देख के ये साफ पता चलता है कि भीमा नाम के एक गुंडे ने सब इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा के साथ मिलकर इन दंगों को भड़काने का काम किया है। इन दंगों में कई बेगुनाहों की जानें चली गई हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि इन दंगों में मिनिस्टर कृष्णा का भी हाथ है। मैं इसे नहीं जानता, मैं आज तक किसी भी भीमा नाम के शख्स को नहीं मिला योर ऑनर। ये सब अपोजिशन की चाल है मेरी छवि खराब करने के लिए, ताकि अगले इलेक्शन में लोग मुझे वोट ना दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। अबे साले तू, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। असली रंग दिखा दिया अपना, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली, बस अब तू देखता जा, जिंदा नहीं बचेगा तू, जिंदा नहीं बचेगा, देख लेना। कैसा लग रहा है? तुझे तो अच्छा ही लग रहा होगा। वैसे भी इस जगह की आदत है तुझे। तेरे बाप को मारने का प्लान मैंने यहीं बैठकर बनाया था, अब यहीं बैठकर मैं तुझे भी मारूंगा। तू मुझे मारेगा? तू बस देखता जा। लेकिन उसके लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, पर मैं सुनो, ये कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। सारे चेकनाकों पर यह खबर पहुंचा दो। आपको क्या लगता है भीमा भाई, मिनिस्टर हमारी मदद करेगा? फिलहाल वही है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकता है। चल। मुंबई का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है भाई। आपके लिए फोन है। तो कैसा लगा नजारा? मैंने जो कहा था वो तो मैं नहीं कर पाया, हाँ लेकिन तूने जो कहा था वो मैंने कर दिया। मेरा भी जवाब नहीं। मिनिस्टर को मारने की धमकी तूने दी थी, पर मार मैंने दिया। मिनिस्टर की बहुत याद आ रही होगी ना? अब तू भी उसी के पास जाने वाला है। तू जेल से भागा नहीं है, तुझे भगाया गया है ताकि तू फिर से जेल जा सके।
विश्वा विश्वा I was waiting for this day. तुम्हें अब जो भी करना है करो, कोई पॉलिटिशियन का दबाव नहीं है। इस शहर की सफाई कर दो, जितनी फोर्स ले जानी है लेकर जाओ। भीमा और उसके आदमियों को जिंदा नहीं बचना चाहिए। Now, we are out of the system. अगर हमने विश्वा को खत्म नहीं किया तो वो हमें खत्म कर देगा। आज महाशिवरात्रि है, आज ही के दिन उसको खत्म कर देंगे। यही सही मौका है उसको खत्म करने का, वरना वो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। विश्वा Come bro, welcome bro. This song you hear here bro. No blabber blabber bro. Only feeling feeling bro. आजाओ भांग पी लो, ऐसी भांग कहीं नहीं मिलेगी। भांग पी लो, विश्वा आप ठीक हैं? भांग लाओ। अरे भांग पी लो। विश्वा भांग पी लो, भांग सब लोग। आप कहाँ जा रहे हैं? भांग भांग लेने। आपने पहले ही बहुत पी ली है, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए ना विश्वा। विश्वा भाई देखो क्या अनर्थ हो गया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आप कहाँ चले गए थे? किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ, हमें तो बस आज सुबह ही इनकी लाश यहाँ दिखाई दी। हम तो ये सोचकर भी डर गए थे कि कहीं आपको भी उसने संभालो विश्वा, विश्वा। उन्होंने हमारे हर एक आदमी को मार दिया विश्वा, यहाँ तक कि उस लड़की को भी जो तुमसे प्यार करती थी। चाचा, चाचा कहाँ है? उनका कोई पता नहीं चल रहा है, लगता है उन्होंने पापा को भी मार डाला है भाई। विश्वा तुम्हारे लिए फोन। विश्वा तेरे सारे आदमी को मैंने खत्म कर दिया,
लेकिन तेरा चाचा अभी भी जिंदा है। अगर उसे आखिरी बार देखना चाहता है तो पुराने खंडहर में आ जा। बेमा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, चाचा को विलास भाई वाह, तुम्हारी शतरंज की चाल कामयाब हुई। विश्वा को फंसा के उसके बाप को मारने का प्लान काबिले तारीफ था। तुम तो मामा शकुनी से भी एक कदम आगे निकले। अब मुंबई पर राज हमारा होगा। मुरली, तू कहाँ है? देखो भीमा, मैंने कोई कमाल नहीं किया, जो तुम कहते गए मैं करता गया और आगे भी करता रहूंगा। अब उस बिल्डर से पैसे लेकर धारावी के झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलवाकर बस्ती खाली करवा दो। अब उन्हें बचाने कोई रखवाला नहीं आएगा। मेरे बड़े भाई का बेटा है, ज्यादा तड़पा कर मत मारना वरना उनकी आत्मा भटकती रहेगी। जय राम जी की। हाँ
चलो गाड़ी निकालो। पर भाई कहाँ है पापा? कहाँ ना चलो। पापा भाई ठीक तो है? फोन दो। कंट्रोल रूम। जी बोलिए। भीमा ने विश्वा को मार डाला। पुराने किले जाकर भीमा को अरेस्ट कर लो। पापा पापा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ भाई को? मर गया बिल्डर। अब तुम्हारा रास्ता एकदम साफ है, बस्ती पर कब्जा कर लो। थैंक्स भाई। ये सब आप क्या कर रहे हैं? कितने मौके मिले पैसे कमाने के, पर वो भाव का बच्चा रखवाला बना बैठा था। न खुद ने कमाया ना हमें कमाने दिया, तभी तो उसे मारने के लिए मैंने साजिश रचकर उस विश्वा को यहाँ इंडिया बुलवाया। जिंदगी भर भाव की गुलामी की, अब क्या उसके बेटे की भी गुलामी करता? इसीलिए भीमा के हाथों विश्वा को मरवा दिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति और मुझे मुंबई दे। अगर मैं इस युग का अर्जुन हूं तो तुम कृष्ण हो। हमें जानकारी मिली है कि भीमा ने विश्वा को मार डाला है। भीमा और उसके आदमी अभी भी उस पुराने खंडर में मौजूद हैं। क्या ये पक्की खबर है? जी हाँ, आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। मैडम क्या हो?
भीमा और उसके आदमी भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने एनकाउंटर कर दिया। ओके मैडम, क्लियर द बॉडीज। माय रेजिग्नेशन। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा अपने काम को चाहती हूँ, लेकिन एहसास हुआ कि मैं विश्वास से ज्यादा और किसी को ना ही चाहती हूँ ना ही चाहूंगी। आई एम नॉट मेड फॉर दिस सर। अब क्या प्लान है सर? विश्वा के होते हुए मुंबई में कोई गलत काम नहीं हो सकता, इसलिए यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। कॉफी। विश्वा, तुमसे मिलने वकील राधाकृष्ण आए हैं। नमस्ते। कल एक केस आया था, अदालत में मेरी दलीलें न्याय नहीं दिला पाई। अब आपकी बारी है भाऊ।